फैशन को समाप्त करने और विदेशों में जमा काले धन को वापस दिलाने के लिए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने युवाओं को प्रेरणा देकर राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा करने का संकल्प लिया है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत संगठन के कार्यकारिणी बैठक का शुभारंभ बिहार के पटना से किया, जहां पर हजारों युवा युवतियों ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस कड़ी को जारी रखते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे झारखंड की राजधानी रांची, जहां हजारों की संख्या में युवा श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। यहां से स्वामी जी का काफिला चल पड़ा सभा स्थल की ओर। काफिले की अगुवाई युवा कार्यकर्ता कर रहे थे। रास्ते में स्वामी जी महाराज ने शहीद एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया और फिर इसके पश्चात सभा स्थल के मार्ग में ही वीर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उनके शौर्य को स्मरण करने के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे संगोष्ठी स्थल पर, जहां युवा कार्यकर्ताओं ने ओम की ध्वनि से उनका स्वागत किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन से सभा का शुभारंभ किया गया और कार्यकर्ताओं ने क्रमानुसार स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज ने झारखंड के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज चीन ने अपने युवाओं के हाथों को काम दे करके अपना निर्यात बढ़ा लिया है करीब 100 लाख करोड़ रुपए। चीन का निर्यात कितना है और हमारा निर्यात 10-15 लाख करोड़ बस। क्यों? यहां की युवा को काम ही नहीं है। यहां का युवा क्या खा रहा है? गुटखा खा रहा है। यहां का युवा क्या कर रहा है? बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। यहां का युवा दारू पी रहा है। हाथ में या तो दारू की बोतल है या हाथ में हथियार है, नक्सलवादी माओवादी बन गया है। जिस दिन इस देश के युवाओं को शिक्षा और संस्कार मिलेंगे और पढ़ने के बाद में जिस दिन इनके हाथों को काम मिलेगा, उस दिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सिरमौर होगा। भारत पूरे विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनेगा। यह हमारा अभियान, इसके लिए करना है आपको काम। ये तीन काम जो करेगा उसको वोट देना युवा भारत का, यह है राजनीतिक लक्ष्य। यह हमारी राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल, हमारी गोल। और तीन युवा भारत के सामाजिक लक्ष्य हैं। ये तो ऐसा है कि जो राजनीतिक दृष्टि से होना चाहिए। हमको कैसे बनना है? हर एक युवा निरोगी, निर्व्यसनी, अज्ञान निरोगी, निर्व्यसनी, अज्ञान अभाव अन्याय मुक्त उच्च चेतना युक्त पूर्ण जागृत युवा तैयार करना। तो पहला लक्ष्य रोग मुक्त, अज्ञान मुक्त, नशा मुक्त पूर्ण जागृत युवा तैयार करना, यह है युवा भारत का लक्ष्य। हम ऋषियों की संतान हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीना, दरिद्र होकर के जीना, कायर कमजोर बुजदिल होकर के, शक्तिहीन होकर के जीना नहीं। हमारे शरीर बल, हमारे मनोबल, हमारे आत्मबल प्रबल होना चाहिए और हमारा जीवन ऋषियों जैसा, अपने पूर्वजों जैसा होना चाहिए। पूर्ण जागृति युवा तैयार करने, ये पहला लक्ष्य। और इसके लिए आपको खुद तैयार होना है और युवाओं को तैयार करना है। देखते ही लगे दूर से ही, अरे ये भारत का युवा है, ये ऋषियों की संतान है। अब मैं देखता हूं आजकल के युवाओं को, कुछ तो इतने कमजोर कि सुबह से शाम तक वो जींस की पैंट पहन लेते हैं, जींस की पैंट पहन लेते हैं और उस पैंट को ऐसे खींचते रहते हैं, पीछे से सफा चट, गाल सुकड़े हुए जैसे किसी ने मुनक्का दबा रखा हो, आम की गुठली चूस करके फेंक रखी हो। ऐसा कमजोर युवा नहीं चाहिए। युवा चाहिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा जैसा युवा चाहिए, चंद्रशेखर, राजगुरु भगत सिंह जैसा युवा चाहिए, इस देश का भगवान बुद्ध और महावीर जैसा युवा थे। युवा चाहिए इस देश का चाणक्य जैसा युवा थे, भगवान राम युवा थे, भगवान कृष्ण युवा थे, भगवान शिव युवा थे, आदिगुरु शंकराचार्य युवा थे, महर्षि दयानंद और युवा थे स्वामी विवेकानंद। ऐसे ही युवाओं की फौज इस देश में तैयार करनी है। ऐसे तेजस्वी ओजस्वी पूर्ण जागृत युवा तैयार करने हैं।
तो यह है युवा भारत का आध्यात्मिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य। दूसरा युवा भारत का लक्ष्य क्या है, कैसे युवा तैयार करने हैं? युवा ऐसे तैयार करने हैं जो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो सृजनात्मक रचनात्मक काम है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र बनता है पुरुषार्थ से, मेहनत से, राष्ट्र मात्र नारों से नहीं बनता है, राष्ट्र केवल मात्र विरोधों से नहीं बनता है, राष्ट्र के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राष्ट्र किसने बनाया? राष्ट्र बनाया इस देश के किसानों ने, इस देश के मेहनत कश लोगों ने, राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के उद्योगपतियों ने, राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के मजदूरों ने, कारीगरों ने, राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के संतों ने, इस देश के जवानों ने, इस देश के किसानों ने, इन सब ने मिलकर के राष्ट्र का निर्माण किया। तो इस देश में पुरुषार्थ करना है, योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम करना है, कालाधन भ्रष्टाचार भ्रष्ट व्यवस्थाओं का विरोध करना है, तो सृजनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों काम अपने को करने हैं, रचनात्मक काम करना है, मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाना है। तो योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम, कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनात्मक काम, इनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना। और तीसरा काम, अंतिम, हम बड़ा उद्देश्य जब तक लेकर के नहीं चलेंगे और संगठित नहीं होंगे, तो युवा शक्ति को संगठित करना। अब ये तो सारे काम बता दिए, ये होंगे कैसे? तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में, हर बूथ लेवल तक युवा भारत की इकाइयां बनानी है। आज आप सब युवाओं को संकल्प लेकर के जाना है, जिनके पास में साइकिल नहीं है पैदल चल करके जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में करीब 10 साल तक पैदल काम किया है, 10 साल तक करीब साइकिल और जो है स्कूटर से काम किया है। अब आप लोगों को दिखता है कि बाबा जी तो जो है गाड़ी में चल करके आते हैं, हवाई जहाज से भी चल करके आ जाते हैं। आज हम कोई मोबाइल का इस्तेमाल कोई सुख के लिए नहीं करते हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल, हवाई जहाज में चल करके आते हैं तो कोई उससे हमको खुशी नहीं होती है, उसमें कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं चलते हैं। हमने पैदल चलने से लेकर के और हाथ से फावड़ा चलाने से लेकर के गाय भैंस चराने से लेकर के दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के प्रचार से लेकर के जो काम किया, पूरी मेहनत से किया। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं, आप में भी बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, और जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे ना उस दिन काम हो जाएगा। संगठित करो युवा शक्ति को, युवा शक्ति जब तक संगठित नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और युवा शक्ति को संगठित करके बस पहुंचा दो नीचे तक, और एक आवाज में पूरा देश खड़ा हो जाए। देखो राजनीतिक परिवर्तन तो एक दिन में कर देंगे जिस दिन वोट पड़ना है। पहले हमारे 2010, 11, 12, 13 तक के जितने भी आंदोलन थे कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए थे, कि हमने सत्ताओं से कहा कि कालाधन लाओ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, व्यवस्था को बदलो, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, कुशासन खत्म करो, लेकिन किया नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस देश के मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा। अब हमारा 2014 का जो आंदोलन होगा वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होगा, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा क्षेत्रों में भी पूरे हिंदुस्तान में जहां तक संभव हो सकेगा मैं जाऊंगा, और लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक प्रांत में एक बड़ी सभा होगी, और दिल्ली में भी एक महासभा होगी, और पूरे देश को जगाएंगे, और इन बेईमानों का राज खत्म करने के लिए, कुशासन को खत्म करने के लिए आपकी संगठित शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या करना है? तो आपको पता लगा युवा भारत के राजनीतिक लक्ष्य कितने हैं और सामाजिक लक्ष्य भी, ये दिमाग में घुस गए ना? मैं तो इसमें जीता हूं 24 घंटा, इसलिए मुझे तो याद है, आपको तो याद करने पड़ेगा ना। और आपको ये अपनी बात को भी ऐसे ही कहना आना चाहिए जैसे मैं कहता हूं, सच को अभिव्यक्ति देना सीखो। ये झूठे, ये बेईमान, ये लुटेरे लोग, ये लुटेरियों का गिरोह जो अलग अलग गठबंधन बना करके और सब लूट रहा है, ये सब लोग अपने झूठ को भी इतनी 100 बार बोलते हैं तो सच जैसे लगने लगता है, और हम सच को भी ऐसा भूलते हैं जैसे कि कहीं झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सच को सशक्त अभिव्यक्ति चाहिए, सच को ताल ठोक करके कहिए, सच को
पूरी शक्ति से कहिए, सच को पूरी प्रामाणिकता से कहिए, और आपकी अभिव्यक्ति इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि लोगों के दिलों तक घुस जाए और हजारों लाखों करोड़ों लोगों का स्वाभिमान जाग जाए। बस यही काम करना है। और एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, इस बहुत बड़ी क्रांति को, इस बहुत बड़े परिवर्तन को सिरे चढ़ाना है। अब अगली बात, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सब संकल्प लो कि हम महीने में एक दिन की कमाई कम से कम संगठन के काम के लिए, देश के लिए हम देंगे। कितनी? 29 दिन अपने लिए, एक दिन किसके लिए? आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, एक दिन की कमाई किसके लिए? देश के लिए। एक दिन की कमाई देश के लिए, और एक दिन का पैसा बचा के रखना, वो आपको आंदोलन के लिए आना पड़ेगा, चाहे दिल्ली आना पड़े, चाहे वो अपने अपने प्रदेश की राजधानी में, चाहे आज मैं जैसे मैं यहाँ रांची में हूँ, रांची में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, जिस भी प्रांत, जहाँ भी जिस भी प्रांत की, वो हैदराबाद में है, चाहे बेंगलोर में, अलग अलग प्रांतों में एक एक बड़ी सभा। तो अपने को दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके अपना आंदोलन नहीं चलाना है। और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम जो है ये उधार लेकर के अपना आंदोलन चलाएं, दूसरों के सामने हाथ पसार करके अपना आंदोलन चलाएं, या कॉरपोरेट हाउसेज की मदद से अपना आंदोलन चलाएं, राजनीतिक पार्टियों के मदद से अपना आंदोलन चलाएं। हम अपने दम पर, अपनी ताकत के बल पर इस आंदोलन को चलाएंगे और सिरे चढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुंचेंगे। एक दिन की कमाई देश के नाम, देश के लिए, सेवा के लिए, संगठन के लिए, मातृभूमि के लिए, कितने उपकार हैं अपने ऊपर। देखो ये सब अपने याद रख करके जाओ, आपको जब भी आंदोलन के लिए निकलना पड़े, देश के लिए, संगठन के लिए काम करना पड़े, अपनी रोटी अपने साथ लेकर के चलो। कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ पानी मिलेगा, अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर के चलो, पानी भर के चलो, फिर बीच बीच में जहां से भी शुद्ध पानी मिल जाता है भर लो, अपनी रोटी, अपना पानी अपने साथ में लेकर के चलो। और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं, और खाना नहीं मिले तो उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं, ठीक है, एक दिन का उपवास कर लेंगे, पेट की शुद्धि हो जाएगी। आप में से कितने हैं से जो आज अपनी रोटी साथ में लेकर के आए हैं, जो अपनी रोटी साथ में लेकर आए थे वो हाथ उठाना। इतने हैं जो और रोटी साथ में लेकर के आए थे, और कितने ऐसे हैं जो रोटी लेकर के नहीं आए, अब तुमको सबको उपवास करना है या खाने के लिए रखा है क्या? यहां खाने के लिए क्यों रखा? मैंने मना किया हुआ है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा हूं, है? अब यहां बना दिया है थोड़ा बहुत गलती से तो पहले करके बैठ गए काम। देखो जब भी आंदोलन के लिए आओ तो अपने साथ में अपना सामान लेकर के चलो, दूसरों की ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, ऐसी प्रैक्टिस बनाइए। इसके लिए स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की थी कि अपना पानी, अपना खाना दाना साथ में लेकर के चलो, दूसरों की ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। ऐसा स्वभाव बनाओ कि हमको सेवा करनी है तो अपने दम पर करनी है। दूसरों की जब रोटी भी खाते हैं तो अपने पुण्य कम हो जाते हैं, हम साधु हैं ना, तो हमको, हम इतना सा भी खाते हैं तो उससे हजार गुना ज्यादा सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो ये पाप का अन्न हजम नहीं होता है, पाप का अन्न हो जाता है। जो बिना मेहनत, जो हमने मेहनत नहीं की और फिर हम खा रहे हैं, तो ये भंडारा जो है, ये जो भंडारा वालों को खाने दो, भंडारा खाने में रुचि मत रखा करो, हमने कभी भंडारा खाने में रुचि नहीं रखी। और यदि भिक्षुक एक समय की भी रोटी खाता है तो वो सुबह से शाम तक एक एक पल परोपकार करता है, इसलिए उसको वो रोटी हजम हो जाती है। इसलिए आप ये हमेशा रखा करो, जो भी आप अपना अपना खाना खा रहे हो, अपनी मेहनत की खा रहे हो, वो खाना आपको हजम होगा, बाकी खाना ठीक नहीं। आगे से ध्यान रखना, इस बार की गलती माफ कर दिए। सुनो, एक दिन की कमाई किसके लिए?
संगठन के लिए, सेवा के लिए, देश के लिए, आंदोलन के लिए, हमें दूसरों के भरोसे आंदोलन नहीं चलाना है। मुझे खुशी है यहां पर बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने एक दिन की कमाई नहीं, महीने भर की कमाई, और कुछ ने तो अपनी, एक मैया मेरे पास में कल आई, अभी भी वो बैठी है उधर, इसका 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए आगे, बोले मैं ये 30 लाख रुपए का फ्लैट बेचूंगी नहीं, मैं तो भारत माता की सेवा में बाबा जी को भारत स्वाभिमान के लिए, पतंजलि योगपीठ के लिए दान करूंगी। देखो इधर बैठी हुई, लो ये मैया को ये माला पहना दो मेरी तरफ से। मन में संकल्प इतना बड़ा इस मैया के, बोले बाबा जी मैंने संकल्प लिया हुआ है, जितना मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, अपने जो रिश्तेदारों से प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप देश भारत माता के बेटे हो, भारत के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैया घर वाले नाराज तो नहीं होंगे, घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोले नहीं बाबा, और अभी भी आपदा पीड़ितों के लिए कल 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेके आई, जब अभी इसके पास में जितनी भी जमा पूंजी है, बोले बाबा जी कुछ फिक्स डिपॉजिट आदि करा रखी है, मेरा तो सारा धन, मेरा सारा जीवन जो भी शेष है, मैं तो एक एक पल अभी इस आंदोलन के लिए जीना चाहती हूँ, मुझे जवानी में इसका सौभाग्य नहीं मिला तो जाते जाते तो मैं इस काम में, सेवा में मुझे हाथ बढ़ाना, ये तो एक मैया की बात कही है। ऐसे हमारे जितने भी यहाँ पर मेरे दाहिनी और जितने भी मेंबर बैठे हैं ऊपर यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे साहिनी जी बैठे हुए हैं, हर साल 5 से 10 लाख रुपए का दान करते हैं, एक संकल्प है। तो भैया हम तो गाय भैंस तराने वाले परिवार में पैदा हुए हैं, अनपढ़ माँ बाप के घर में, हम घर से निकले थे तो हमारे पास में 500 रुपए भी नहीं थे, 360-370 रुपए थे हमारे पास में खाली किराए भाड़ा के लिए, उस समय थोड़े किराए से काम चल जाता था, वो 300-350 रुपए हमारे शायद साल भर चले होंगे। जब गुरु घर से निकले, गुरुकुल से पढ़ के निकले हिमालय के लिए तो 500 रुपए थे, और जब सेवा के रास्ते पर निकले तब मुश्किल से 5,000 रुपए होंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, माने किसी भी राजनीतिक, किसी भी सामाजिक, किसी भी आध्यात्मिक, धार्मिक किसी भी संगठन के पास में उतना बड़ा मुख्यालय और संगठन नहीं जितना पतंजलि योगपीठ के पास में है। ये सब करोड़ों लोगों के, ये करोड़ों लोगों के एक एक व्यक्ति ने एक एक कोड़ी कोड़ी देके, एक 11-11, 21-21, 100-100 रुपए देकर के इतना बड़ा ये बना दिया। लोग कहती हो कैसे गया, मैंने कहा ये सब भगवान का विधान है, योजना सब भगवान की, समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके अपना पुरुषार्थ, ये तीन काम जहां हो जाते हैं, योजना भगवान की, मार्गदर्शन गुरु सत्ता का, और रत्ती भर भी अपने से कसर न रह जाए इसलिए पुरुषार्थ अपना, ये तीन काम जहां हो गए वहां सब काम अपने आप सफल हो जाते हैं। आपको इसी दर्शन के आधार पर आपको ये काम करना है। भाई बहनों मैं आपसे बातें कर रहा था, अब मैंने कहा कि काम कैसे करना है, इस तर्ज पर काम करो, तैयार करो लोगों को, और लोकसभा चुनाव से पहले इस पूरे देश में एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान, एक ऐसा पूरा आंदोलन पैदा कर देना है, आंदोलित कर देना है जन जन को, कि लोग कहें अरे जो कभी नहीं सोचा था वो हिंदुस्तान में हो गया, ये हो करके दिखाना अपने को, ऐसा हौसला जगाना है, इस निराशा भरे वातावरण में आशा और विश्वास के दीप जलाने हैं, और इनके सारे पाप जब लोगों के सामने आएंगे, लागन से घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। वोट देना तो बहुत दूर की बात रही, शायद 2014 के इलेक्शन से पहले ही ये सारा खानदान देश छोड़ के बाहर भाग जाएगा।
तब फिर इनको पकड़ करके वापस लाना पड़ेगा। कभी भी छोटा मत सोचिए, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग आज इस देश दुनिया को चला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पूरे वर्ल्ड की जो का पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशनल सिस्टम, ये कैसे चल रहा है? पूरे दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नीतियां कौन लोग बना रहे हैं? मात्र 100 लोग। और वो कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं 4-5 देशों, कुछ चीन में, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में, कुछ यूरोप में, कुछ अमेरिका में। बस चीन में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका के अंदर बैठे हुए कुछ चंद लोग पूरी दुनिया की नीतियां बना रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे भारत पूरी दुनिया का सिरमौर था, इस भारत की शक्ति को इतना बढ़ा देना है कि वो जमाना फिर से आ जाए, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चले, ऐसा ताकत और मुल्क अपने को बनाना है। इसलिए मैं कह रहा था, छोटा सोचने वाले कभी बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। बड़ा सोचो, और बड़ा बड़ी सोच तुम्हारे भीतर है, बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बहुत ज्ञान है तुम्हारे भीतर, उसका इस्तेमाल करना है। अब कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनको भी नोट कर लो, सबको बताना, ये बहुत जरूरी बात है। इस पूरे देश की राजनीति को लोग किस पर केंद्रित करना चाहते हैं? सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं। हम सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है। हम गैर सांप्रदायिक है, ये सर्व सांप्रदायिक है। मैं आपसे पूछता हूं, इस देश के लोगों को सांप्रदायिक रहना या गैर सांप्रदायिक रहना है, ये कोई पार्टियां सिखाएंगी क्या? हिंदुस्तान के लोग, ये लिख रहे बात अपने दिमाग में बैठा हो और सबको बताओ इस बात को, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इसी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, घुमाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग जन्म से, स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक हैं, सेक्युलर हैं। इनको किसी को सेक्युलर बनाने के लिए कोई राजनीतिक एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा क्या होना चाहिए? कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और कुशासन, गोहत्या और तमाम तरह के खेतों में जहर भर दिया, कुदरती खेती, गो आधारित खेती। हमारी थाली में जहरीला खाना आता है, उसको खा करके हमारे बेटे, हमारे पोते, वो कैंसर हो गया उनको, माताओं के स्तनों में जहरीला दूध उतर आया, हमारा खून, हमारी हड्डियां जहरीली हो गई हैं। हिंदुस्तान के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। अरे के सारे बिगड़ैल इस देश के ऊपर शासन करने के लिए हथकंडे अपनाते कि हम गैर सांप्रदायिक हैं, हमको वोट दे दो। तो एक तो ये बात, पूरे देश में इस बात को पुरजोर तरीके से रखना है कि हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और कुशासन होगा। यह है हिंदुस्तान के असली मुद्दे। एक बात और कहना सबको, बहुत जरूरी बात कह रहा, राजनीतिक पार्टियों ने तो देश बदला नहीं, अब किसको देश बदलना है? वोटर्स को देश बदलना है। इसलिए हमारा सारा ध्यान अब किस पर होना चाहिए? वोटर्स पर। इन बेईमानों के खिलाफ सारे वोटर्स को लामबंद करना है। वोटर्स को क्या करना है बोलो? सारी सब जगह बात सुनते हो तो क्या बोला जाता है? वोट की पॉलिटिक्स हो रही है, तो हमको वोट की पॉलिटिक्स हमको भी करनी है। हमको वोट की नहीं, हम वोटर्स को
इकट्ठा करके अब वोटर्स को हमें संगठित करना है, वोटों का पोलराइजेशन करना है, वोटर्स को संगठित करके इन बेईमानों के खिलाफ लामबंद करना है। और लामबंद करके अब एक मेरे से बोला, बाबा आपने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैंने कहा देश की नीतियां तो देश की नीतियों के बारे में निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है, बाकी लोग तो उसका समर्थन करते हैं। जिस घर को घर का मुखिया चलाता है, कोई संगठन हो, इस संगठन में नीति निर्धारण का काम मुझे दिया हुआ है आप लोगों ने, तो संगठन को संगठन का मुखिया उसकी नीतियां निर्धारित करता है। तो देश को एक नरेंद्र भाई जैसा मुखिया इसलिए चाहिए क्योंकि वो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, कुशासन के हमारे मुद्दों पर सहमत है। हमारा एजेंडा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो हमारे मुद्दों पर क्योंकि सहमत है इसलिए हम उसके साथ में। तो ये काम ऐसा नहीं होना है, इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ये हजारों लाखों करोड़ रुपए फेंकेंगे, ये नोट बांटेंगे वोट लेने के लिए, ये बहुत तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन इनके सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना है। और इस बार तो इसे देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना करनी है, इसके लिए आपको बुलाया। तो अभी से सभी को बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार के युद्ध के लिए कम से कम 9 महीने तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने 9 महीने पहले ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है आपको। अभी आपको 9 महीने पहले ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। अब मैदान जंग में युद्ध लड़ना है और उसके लिए आपको तैयार होना। महर्षि विश्वामित्र ने इन सारे राक्षसों का वध करने के लिए 2 युवकों को चुना है, दशरथ से। महाराजा दशरथ से 2 युवकों को मांगा था, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था लक्ष्मण। और जब राक्षसों के पास बहुत ताकत बढ़ गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया प्रजा में, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही खानदान के दो 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 ग्रुप बन चुके थे, एक का नाम था कौरव और दूसरे का नाम था, और पांडवों में कितने थे, 5 को लिया। उन्होंने कहा भाई हमको 5 गांव दे दो। तो कौरव कहते हैं सूचक ग्रम पिंडदास्यामी विराज थे न केशव, बोले सुई के अगले हिस्से पर नोक पर जितनी जमीन रखती उतनी भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। बोला आजा, ठीक है, हो गया युद्ध। आचार्य चाणक्य ने 6 युवकों को लेकर के और नंद वंश के पाप को खत्म करने की ठानी। ईसा मसीह ने जब अपना धार्मिक यह आंदोलन शुरू किया तो उनके साथ 12 लोग थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ 13 लोग थे, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में 5 थे प्यारे, 5 प्यारे। अरे जब उन महापुरुषों ने चंद लोगों को साथ में लेकर के महाक्रांतियां कर दी, अब तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने साथ में हैं, अब तो ये क्रांति सफल होगी। बस इसके लिए रोज काम करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा, जिसमें जिससे जितना जितना बन पाए। और जो मेरी तरह से पूरा जीवन इसके लिए लगा सकते हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं घर में रहता तो अच्छा था या मैं सन्यासी हो गया तो अच्छा? सन्यासी हुआ तो अच्छा, तो मैं भोगी होता, ब्याह करा लेता, फिर चुन्नू मुन्नू खिलाता, राजा बाबू गुड़िया रानी, तो मैं योगी हो गया तो अच्छा या भोगी रहता तो अच्छा? योगी अच्छा, ब्याह कराया तो अच्छा या सन्यासी हो गया तो अच्छा? जोर से तो बोलो। तो आप सब कह रहे हो घर छोड़ करके मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम? अच्छा, योगी होकर के अच्छा काम किया या बुरा काम? अच्छा, मैं केवल हिमालय में रहता तो अच्छा रहता या पूरे देश की सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? देश की सेवा कर रहे तो अच्छा। तो ये अच्छे काम मुझे ही करने चाहिए या आपको भी? अब मुकरना नहीं, अब जिनकी शादी नहीं हुई है खबरदार कोई शादी नहीं करेगा। इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, कितने हैं,
क्या 125 करोड़ लोगों के लिए खाना पूरा है? स्कूल पूरे हैं? यूनिवर्सिटी पूरी है? इलाज के लिए डॉक्टर दवा पूरी है? क्या 125 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पूरा है? तो क्या फिर और लोगों को पैदा करने की जरूरत है? तो थोड़े दिनों तक इस पर ब्रेक लगा दो। हा? अरे सब अपने ही तो हैं। मैं तो सब माँ बहन बेटियों में अपनी माँ बहन बेटी देखता हूं, सब पिता तुल्य बुजुर्गों में अपने ही पिता के दादा के दर्शन करता हूं, और सब जवानों को अपना भाई मानता हूं, आप सबके हाथ को अपना हाथ मानता हूं, अपने साथ मानता हूं, और मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करता। मानो तो सारा जहान अपना है, नहीं तो सारी दुनिया झूठा सपना है। मानो तो सारा जहान अपना है, नहीं तो सारी दुनिया झूठा सपना। क्या है मेरे भैया, ये सब मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही जैसे सबके भीतर आत्मा, मेरे ही जैसा दिल, मेरे ही जैसा दिमाग, मेरे ही जैसे हाथ, बस थोड़े रंग रूप अलग अलग हैं, वो खाली पहचानने के लिए हैं। नहीं तो एक जैसा सबके आंख, एक जैसी हाइट, एक जैसी चमड़ी, एक जैसे ही सब कुछ होता तो पहचानना मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान ने 0.1% जो भेद किया है, ये एक दूसरे को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को पहचानने के लिए किया है। अपना ही स्वरूप सब में पहचानो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैवानो पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजान तत्र को मोह का शोक एकत्वं पश्यते। मैंने तो अपना ही रूप आप सब में देखा है। अच्छा बताओ, महर्षि दयानंद ने शादी की थी? बोलो ना। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी की थी? चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी की थी? तो क्या शादी करना जरूरी है? शादी जिनकी हो गई उनको धन्यवाद, क्योंकि मेरे बापू शादी नहीं करते तो मैं पैदा ही नहीं होता। जिनकी शादी हो गई उनको धन्यवाद, उनके लिए प्रार्थना, वो अच्छी संतानें पैदा करें, और जो पैदा हो चुके उनको अच्छी शिक्षा संस्कार दें, ठीक। और जिनकी हो चुकी है और बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं तो अच्छे बच्चे पैदा करके मुझे दे, और जिनकी नहीं हुई है वो शादी करके और बच्चा पैदा करने के चक्कर में नहीं रहना कि अच्छे बच्चे पैदा करके बाबा जी को देंगे, आप ही अच्छे बन जाइए और आप ही मेरी गोदी में आ जाइए। अच्छा, आदमी अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है? वो सोचता है मैं कुछ अच्छा करूं और अब उसका फ्यूचर सेफ होना चाहिए। तो आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं, आपके फ्यूचर के कैरेक्टर की, कैरियर की, आपके सेफ्टी की, आपके भविष्य के सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। मुझे भगवान ने और इस पूरे हिंदुस्तान ने इतना समर्थ बनाया है कि मैं 1,00,000 बच्चों को अकेला पाल सकता हूं। उत्तराखंड की तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए 2 गज जमीन, इतना ही मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं अपने से ज्यादा आपके लिए दे दूंगा, ठीक है? फिर जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो शादी मत करना। वो क्या करना? देश, धर्म और संस्कृति के लिए। अरे कुछ लोग फिदाई नहीं हो जाते हैं, जिहादी हो जाते हैं, कुछ लोग नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी हो जाते हैं। करीब 50,000 लोग इस देश में सांप काटने से मर जाते हैं, करीब 1,00,000 लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, और कुछ लोग बैठे बैठे ही सांस रुक जाते हैं और परलोक चले जाते हैं। ये जो पैदा हुआ जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य तस्मात् अपरिहार्थ न तुम सोचित मरहस। ये शरीर, ये जन्म हमसे पहले न जाने कितने पैदा हुए, कितने मर गए। आज भी पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं, और आपको भी आपकी 7 पीढ़ी पहले कौन था और कौन आगे पैदा होगा किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए बड़ा सोचो और बड़ा काम करने के लिए मैदान में आ जाओ। जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके मेरे जैसे बनना चाहते हैं, तो क्या
मैंने जो पढ़ाई पढ़ी वो ठीक है या गलत है? मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, सारा इकोनॉमिक्स के बारीकियों को मैंने पढ़ा है, फिर मैंने चिकित्सा शास्त्र को पढ़ा है, मेडिकल साइंस से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के वेद शास्त्र से लेकर के सब कुछ पढ़ा है, तो आपको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जो 10वीं 12वीं पास है उनको अपनी तरह से कम 7 साल पढ़ाऊंगा। कितने साल? जो 10वीं 12वीं पास हैं और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको 2-3 साल पढ़ाएंगे, फिर उनको देश की सेवा में लगाएंगे, और फिर हजारों युवक और युवतियां जब देश के लिए निकलेंगे तो हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से भारत ऋषियों का देश बनेगा, फिर से इस देश में वो ऋषियों की व्यवस्थाएं कायम होंगी। भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो कुछ लोगों के लिए को बड़ा काम करना पड़ेगा, बाकी क्या करोगे? सुविधाएं, संसाधन, संपत्ति, ये तो सबके पास है मेरे भाई। सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए, संपत्ति के लिए, ये दुनियावी ताकत के लिए जिंदगी नहीं है। ये सुविधाएं, ये संसाधन, ये संपत्ति, ये वैभव जिसके लिए है वो जीवन है, और जीवन जो है वो सत्य के लिए है, भगवान के लिए है, बड़े काम के लिए है। जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना ये जीवन का अनादर है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कितने आदमी ऐसे हैं, कितने भाई, कितने बहन, कितने भाई और कितने बहन हैं जो मेरी तरह से आजीवन ब्रह्मचारी रह के देश की सेवा करेंगे? आजीवन ब्रह्मचारी रह के, समझ गए ना? जिनकी शादी हो चुकी है उनको बाद में खड़ा करेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई और आगे मेरी तरह से ही ऐसे ही रहना चाहते हैं, खड़े हो जाओ जरा, मैं देख तो लूं। खड़े हो जाओ, क्या करोगे शादी? दूसरों के देख लेना, पड़ोसियों को। जो भाई और बहन देश के लिए जीना चाहते हैं, ये तो गुड़िया भी बड़ी हिम्मत वाली है। एक हमारी बहन सामने खड़ी हुई, क्या बहनों में टोटा पड़ रहा है? खड़ी हो जाओ फिर, ऐसी कमजोर कमजोर क्यों हो? हाँ, 1, 2, 3, 4 तो एक छोटी सी गुड़िया है, बड़ी हिम्मत वाली है। उसकी मम्मा साथ में आई है क्या? कहाँ पर है आपकी माँ? ओ, माता जी भी हिम्मत वाली है। उसने एक छोटा सा है, कितने साल का है? 9 साल का, 12 साल का, और ये जो ये हमारी वाली पार्टी वाले हैं, आगे आ जाओ, तुम अपना झोला उठाओ, अपने झोले और अपना मोबाइल, अपने डायरी उठा के आगे आ जाओ, यहाँ सामने यहाँ बैठो, बैठो बैठो, मेरे साथ बोलेंगे और बेटियाँ इधर आ जाएंगी, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ। जो 10वीं 12वीं पास हैं उनको गुरुकुल में पढ़ाएंगे, और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको फिर एक 6 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स है, और उसके बाद में 2 साल का एक पूरा कोर्स होगा। आपको भी पूरा वैदिक संस्कृति का, वैदिक एजुकेशन पूरा दे करके, ये तो बड़ी छोटी सी आ गई, ये तो आचार्य कुलम में पढ़ने योग्य है। हा? दो जवान देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, पूरी मानवता के लिए। मैंने कहा ना अपने महापुरुषों की, एक ही वाक्य में बोलता हूं, हमारा जीवन कैसा हो? पूर्वजों, पूर्वज वीर वीरांगनाओं की, वीरों की, ऋषियों की संतान है ना हम, है ना? आज देश पर बहुत संकट है ना। अब बाकी को भी और काम बताऊंगा, ये तो वो है जो योद्धा बनना चाहते हैं, एक विद्वान, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, अपने जीवन को सामान्य इन भोग विलास के लिए नहीं जीना चाहते हैं। तालियों के साथ मेरे साथ गाएंगे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकार, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है,
जगतगुरु गोविंद और राजपूत शान का जगतगुरु गोविंद और तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता हाथ उठा करके दंदना रहा चहो दिशा में देश की है सत्र दंदना रहा चहो दिशा में पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की पता बता रही हमें ओ चक्रवर्ती विश्व जय चक्रवर्ती विश्व जय मा त्रिभुवनि हारती देश है पुकारता पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है कर धरा को फोड़ आसमां की काली मां तोड़ कर धरा को फोड़ जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली मां जगा दे सुप्रभात को तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती देश है पुकारता पुकारती सब बोलिए देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की अखंड भारत की वंदे मातरम वंदे मातरम जोश तो पूरा है इसका मतलब अभी ऋषियों वाला खून ठंडा नहीं पड़ा है अभी अच्छे बताओ जिंदगी में कुछ हम ऐसा काम करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक आज तक दुनिया में करोड़ों पति अरबों पति कितने धनवान लोग हुए कितने राजा रानियां हुई आपको नाम पता है और कुछ का पता भी हर इतिहास में पढ़ना भी पड़ता है तो मत्था मार के पढ़ते हैं कितने राजा कितने रानी कितने बच्चे कच्चे हमको क्या लेने देना लेकिन गौरव से नाम किनका लेता है जमाना चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप जिन्होंने देश के लिए कुछ किया महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद महर्षि पतंजलि आइंस्टीन कुछ बड़े लोग दुनिया के जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया बाकी छोटे छोटे काम ठीक है लेकिन बड़ा काम करने के लिए हमारे बात से सेवाव्रती भाई यहाँ पर भी आए हुए हमारे सेवाव्रती भाई खड़े हो जाएंगे तो ये भी हमारे सेवाव्रती भाई हैं जिन्होंने पूरा जीवन पहले से ही 2-3 सालों से अभी वहीं पर सेवा दे रहे हैं है ना और अभी आप लोगों को बड़ा काम करना है तो अभी आप लोगों को ये फार्म भरवाएंगे यहाँ पर एक ये फार्म दिया जा रहा है सबको ये फार्म भरना है आपको है ना ये फार्म भरेंगे ठीक है बाकी संगठन में काम करने के लिए ये तो आपके लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं जो एमए कर चुके हैं वो खड़े होना और बीए वाले जो बीए एमए कर चुके हैं वो खड़े हो जाओ तो ये बीए और एमए वाले यहाँ वाले जिनको शादी नहीं करानी आ जा तुम भी आ जा क्या करेगा संसार में जा करके बतेरे हैं बच्चे वहाँ हाँ आ जा बड़ा आनंद आएगा एक बार मेरे पास रह गए ना फिर दुनिया में लौटने का दिल नहीं करेगा तुम्हारा आधा ने कोई नहीं इसको ये पीछे से उठ के नया नया आया है अभी हमारी शादी होगा तो हम योद्धा बनना चाहते हैं शादी हो गया कब कर दिया लेकिन योद्धा बनना चाहते हैं हम भी ये बोले बाबा शादी तो हो गया लेकिन पहले नहीं मिले आप हम तैयार हैं लेकिन वाइफ वाइफ है तो कोई दिक्कत नहीं वो भी तैयार हो जाएगी
उसकी भी काउंसलिंग करके तैयार कर दीजिए, तो एक के बजाय दो मिलेंगे। शुरू से ही चाहते हैं, बीच में मौका नहीं मिला था, अब उसको भी तैयार कर देना कि दोनों को देश के लिए काम करना है। क्या पढ़ाई की है? होटल मैनेजमेंट की है। ठीक है, अब नेशन का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, खुश रहो। हाँ बैठो बैठो, अभी देंगे, अभी तो हरिद्वार में दीक्षा देंगे ना, अभी तो फॉर्म भरवाया जा रहा है। बैठो बैठो, अभी सुनो, आप लोगों को सेवावृत्ति वाले में टिक करना है। ठीक है, सेवावृत्ति ट्रेनिंग आपकी होगी, फिर बैठ जाओ। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन पूरा समय देना चाहते हैं देश के लिए, जुनून है। अब हो गई शादी, कोई होगा कोई संस्कार, तो वो पूर्णकालिक युवा कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। फिर एक है वैदिक गुरुकुलम, जो आप में 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं वो हाथ उठाना, 10वीं 12वीं वाले आपको फिर पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ोगे ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है पता है? 16-16 घंटा। कितना? 2 घंटा। फिर एक्सरसाइज, 500-500 दंड बैठक लगाना है ना, हमारे गुरुजी लगाते 5-5 हजार। कितना? हम 500 लगाते थे तभी इतने दुबले पतले हैं। बहुत है, सुनो, 16-16 घंटे तपस्या, ज्ञान अध्ययन और जुनून, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना, तेजस्वी बनो, ऐसा देखते लगे अरे जीवन होता ऐसा, तेज हो, आज हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, चरित्र हो, ऐसा बनना है आपको। तो आपको आना है 19 तारीख की शाम तक हरिद्वार, और गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा देकर के फिर लगा देंगे। 10वीं से पहले एडमिशन नहीं होगा, 10वीं फिर 10वीं पास करके आना पड़ेगा। ठीक है, 10वीं पास या 12वीं पास, उससे पहले नहीं लेते हैं। ठीक है, और बाकी को भरना है ये फॉर्म। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, वह है राजधर्मी कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ा हल्का शब्द है, तो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। बाकी जितने भी बैठे हुए भाई बहनों सुन लो, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक आध्यात्मिक कार्यकर्ता के रूप में, योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम, और राजधर्मी कार्यकर्ता सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम, ये 5 तरह के कार्यकर्ताओं में से आपको कोई ना कोई एक बड़ी भूमिका निभानी है। और कुछ तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कई भूमिकाएं, जैसे मैं मल्टीपल डायमेंशन में काम करता हूं, कई भूमिकाएं रहती हैं मेरी, मैं राजयोग भी करता हूं, मैं योग भी करता हूं, योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम भी करता हूं, और राष्ट्र निर्माण के लिए जितने भी आयाम हैं, कुदरती खेती से लेकर के स्वदेशी से लेकर के जितने भी राष्ट्र निर्माण के आयाम हैं, उन सब में काम करता हूं। आपको भी इस काम में एक बड़ी भूमिका निभानी भाई बहनों, और सबको, सब कार्यकर्ताओं को भारत स्वाभिमान का लक्ष्य क्या है, हमारे सपनों का भारत बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक तो सब पढ़ सकते हो है? ये कि किस तरह से देश लूटा है, कैसे लूट रहे हैं, ये काला धन न लूटा जाता तो भारत की स्थिति क्या होती, ये भ्रष्टाचार न होता तो भारत आज 10 गुना ज़्यादा आगे होता, 10 गुना ज़्यादा, 1,000,00,000 करोड़ की GDP होती हमारी, और 10 गुना ज़्यादा हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी होती, 10 गुना भारत की विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी होती, 10 से 15 गुना। ये पूरे डेटा है, ये सब पढ़ना, ये सब अपने जेब में रखना, कैसे कैसे भारत बनाना है वो साथ में रखना, और कैसा जीवन बनाना है वो ये वैदिक शिक्षा, ये वैदिक शिक्षा की पुस्तक सबके पास में है ना, सबको दे, अभी सबके लिए आ गई है, जाते समय सबको दी जाएगी। इसके इसमें सभी कार्यकर्ताओं के जीवन के 5 नियम हैं, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होते, जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं होती, उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता। भोर में उठकर के प्रभात संकल्प किया करो, भोर में उठकर के क्या करना है, प्रभात संकल्प, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और हमारे पूर्वजों ने कैसी व्यवस्था का सपना देखा था, हमारे लोकसभा में घुसते ही लिखा रहता है, स्वे स्वे कर्मण अभिरतः संसिद्धिम लभते नर, लोकसभा अध्यक्ष के पीछे लिखा रहता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हमारे सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य, सिद्धांत, ध्येय वाक्य क्या है, आदर्श क्या है, यतो धर्मस्ततो जय, अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरी भारत की राज्य व्यवस्था के पूरे सूत्र दिए हुए। फिर
हमारा जीवन कैसा हो, तो इसके 5 नियम हैं। सब मेरे साथ में बोलेंगे, मैं प्रतिदिन प्रभात संकल्प व ध्यान योग के साथ 1 घंटा योगाभ्यास अवश्य करूंगा और शांत सफल सार्थक सुखी व समृद्ध जीवन जीऊंगा। मैं जीवन में 3 बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं ज्ञान पक्ष और वाणी व्यवहार स्वभाव व आचरण में 1 रूपता रखूंगा। मैं अपने दोषपूर्ण स्वभाव व दुर्व्यसनों की आदत को बदलूंगा और अपने मूल स्वभाव में जीऊंगा। मैं कर्मफल व्यवस्था में पूर्ण निष्ठा रखूंगा। मैं स्वदेशी व स्वाध्याय के व्रत को दैनिक जीवन में पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। मैं भारतीय संस्कृति व सभ्यता के मूल सिद्धांतों व आदर्शों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगा। मैं वाणी व व्यवहार के स्तर पर स्थूल दोषों को 1 बार भी नहीं करूंगा तथा विचार व संस्कार के स्तर पर दोषों को दग्ध बीज करने के लिए पूरी ईमानदारी से पुरुषार्थ करूंगा। इन 5 बातों का आपने जीवन में पालन किया ना, तो आपका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगा। सभी सार्थक सफल सुखी बहुत ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं ना, एक बात, 1 घंटे का योग अभ्यास, 1 योग की आदत, सारी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी जीवन में। हाई फ्रिक्वेंसी में आप जीने लग जाओगे, लोअर फ्रिक्वेंसी में नहीं। एक होती उच्च चेतना, 1 घंटे का योगाभ्यास, सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा जीवन में। उत्तराखंड की